the difference between ballistic and cruise missile. As a defense aspirant, आपको इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए. ये इतना general question है कि even directly या indirectly UPSC ने इसे civil services के exam में कई बार पूछा है. तो चलिए देखते हैं कि ballistic और cruise missile में exactly क्या difference होता है. But first, let's roll out the intro. दोनों टाइप की मिसाइल्स में डिफरेंस देखने से पहले ये जान लो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल पृथ्वी एंड अग्नि 1, 2, 3, 4 एंड अग्नि 5 ये बैलिस्टिक मिसाइल के एग्जांपल हैं. वहीं ब्रह्मोस और सबसोनिक मिसाइल निर्भय ये क्रूज मिसाइल के एग्जांपल हैं. ये मिसाइल्स काफी कॉमन हैं और इंडिया द्वारा यूज किए जाते हैं, इसलिए मैंने इन स्पेसिफिक एग्जाम्पल को सिलेक्ट किया है. अब चलिए इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं. इन दोनों तरह की मिसाइल्स में सबसे बड़ा फर्क तो वर्किंग में ही है. बैलिस्टिक मिसाइल्स किसी रॉकेट के तरह लॉन्च होती है जिसके लिए स्पेसिफिक लॉन्चर की जरूरत होती है. वहीं क्रूज मिसाइल को बिल्कुल उसी तरह से लॉन्च किया जाता है जैसा कि हमने मिसाइल्स को लेकर इमेज बनाई हुई है. इसको लॉन्च करने के लिए किसी लॉन्चर की जरूरत नहीं होती और इसको लैंड और एयर दोनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है. पर बैलिस्टिक मिसाइल को हम बस ग्राउंड से लॉन्च कर सकते हैं. लॉन्च होने के बाद बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड सेम नहीं रहती है. लॉन्च होने के बाद ये अर्थ एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है और इस टाइम पर इसकी स्पीड डिक्रीज होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. बाद में जब मिसाइल वापस एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो उस टाइम पर इसकी स्पीड काफी हाई हो जाती है. वहीं क्रूज मिसाइल की स्पीड लगभग कॉन्स्टेंट ही होती है. लॉन्च होने के बाद हम बैलिस्टिक मिसाइल को कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब एक बार टारगेट लॉक होने के बाद उसे चेंज करना पॉसिबल नहीं है और इसी वजह से इन मिसाइल्स की प्रिसीजन कम होती है. वहीं क्रूज मिसाइल के केस में लॉन्चिंग के बाद भी टारगेट को चेंज किया जा सकता है. आजकल क्रूज मिसाइल में कैमरा इंस्टॉल्ड आता है जिससे हम कंट्रोल रूम में बैठकर मिसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि टारगेट सही से हिट हुआ है कि नहीं. इसी के कारण ऐसी मिसाइल्स की प्रिसीजन काफी हाई होती है. बैलिस्टिक मिसाइल काफी हाई एल्टीट्यूड अचीव करती हैं, जिस वजह से उनकी रेंज काफी हाई होती है इन कंपैरिजन टू क्रूज मिसाइल. पर हाई एल्टीट्यूड अचीव करने से और लॉन्ग रेंज तक जाने के वजह से ही इन्हें इंटरसेप्ट करना काफी आसान होता है. वहीं क्रूज मिसाइल लो एल्टीट्यूड पर मनूवर करती है जिसके कारण इनको डिटेक्ट करना उतना ईजी नहीं होता. पर इनकी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के कंपेरिजन में काफी कम होती है. बैलिस्टिक मिसाइल को हम रेंज के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं जिसे शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट एंड इंटरकॉन्टिनेंटल में डिवाइड कर सकते हैं. शॉर्ट रेंज मिसाइल की रेंज होती है 100 टू 1000 किलोमीटर. वहीं मीडियम रेंज मिसाइल की रेंज होती है 1000 टू 3500 किलोमीटर. इंटरमीडिएट मिसाइल की रेंज होती है 3500 किलोमीटर टू 5500 किलोमीटर. वहीं इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की रेंज होती है 5500 टू 10000 किलोमीटर और अबव. वो मिसाइल्स जिनकी रेंज 150 टू 300 किलोमीटर होती है उनको टैक्टिकल मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है. वहीं क्रूज मिसाइल को हम स्पीड के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं जैसे सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक. सबसोनिक मिसाइल की स्पीड 0.8 टू 0.9 मैक होती है. सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 2 टू 3 मैक होती है और वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 5 टू 7 मैक होती है. बैलिस्टिक मिसाइल काफी एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू क्रूज मिसाइल. इन दोनों टाइप की मिसाइल्स के एग्जांपल मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दे दिए थे. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इन दोनों तरह के मिसाइल्स के बीच में अंतर पता चल गया होगा. लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें.